एख्याप <laughs> <laughs> <laughs>

अरे hmm. गुड मॉर्निंग ऑल स्टार्ट करूस्त लोग जॉइन नहीं बट एनीज सो कैलक्युलेट रूट्स ऑफ कॉरेडी इक्वेसन ये नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखने वाले हैं अभी सो टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ पॉलिटी इक्वेशन हमें फॉर्मूला इसका पता है लेकिन स्टिल ये हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं सो so, देखिए अभी ये कॉडर कॉडेड इक्वेशन अगर कोई है और उसका फॉर्मूला हमें निकालना है टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ कॉर्डी इक्वेशन सो यहाँ पे ये देखिए कि सपोज कि अगर कोई इक्वेशन है ये अगर इक्वेशन है जहाँ पे एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो ये जनरल फॉर्म ऑफ कॉर्डी इक्वेशन रहता है ठीक है यहाँ पे ए बी सी जो है ये बेसिकली रियल और रैशनल नंबर्स इसको बोला जाता है सो so, ये जनरल जनरलाइज फॉर्मेट है कॉरेड इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्व टू जीरो सो ऐसे केस में आ, अगर हमें रूट्स निकालने हैं रूट्स कैलकुलेट करना है तो वो हमने लास्ट जो भी अपने मैथमेटिकल एम वन एम टू एम थ्री या इवन आप एलेवेंथ ट्वेल्थ में भी देखा होगा इट्स वेरी ईजी टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ कॉर्ड इक्वेशन लेकिन सबसे पहले हम इसका अगर हम रिकॉल करते हैं तो फॉर्मूला क्या है इसका ये देख लीजिए कि एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइडेड बाई टू ए हम बोल सकते हैं कि माइनस ये एक प्लस का एक रूट आएगा माइनस बी प्लस बी स्क्र स्क्वा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए और माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए तो इस तरह से ये कॉड इक्वेशन का जो रूट्स है हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं सो so, ये मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया अगर सपोज कि ये हमें बताया कि अगर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर स्वीक्व टू जीरो रूट्स अगर रियल है इक्वल है और रैशनल है तो वो केस में हमारे पास में सिंपली क्या आएगा कि एक्स इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय टू ए क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट वाला जो टर्म है वो तो यहाँ पे नहीं रहेगा और ये इसके वजह से केस वन अगर हम बोलते हैं कि बी स्क्र माइनस फोर ए सी आर रियल इक्वल एंड रैशनल ओके तो वो केस में कंडीशन क्या आएगी कि ये जो रूट है एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए और सपोज कि अगर हम देखते हैं कि माइनस बी बी माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो जो टर्म है यहाँ पे ये जो टर्म है बी स्क्र माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए सॉरी बी स्क्वायेयर माइनस फोर ए सी इज़ ग्रेटर देन जीरो अगर ये जब हम बोलते हैं तो हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है रूट्स रियल है डिस्टिंक्ट है और रैशनल है ये हम बोल सकते हैं तो सपोज़ कि यहाँ पे अगर हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके बाद में अगर ये पॉजिटिव वैल्यू अगर हमें यहाँ पर मिलती है पॉजिटिव वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ठीक है ये तो हमें पता है कि जीरो है तो वो टर्म पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी लेकिन अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो जैसे कि यहाँ पे सिक्सटीन आया हुआ है मतलब ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ओके okay, और उसका जो रूट है तो ये रूट हम यहाँ पे वो सॉल्व करके एक माइनस बी प्लस के लिए माइनस बी माइनस के लिए तो इस तरह से इसका ये प्रॉपर हमें रूट समय यहां पे मिलते हैं ओके okay? और केस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओके बी स्क्वायर माइनस फोर सी अगर ये निगेटिव है तो हम बोलेंगे कि ये रूट्स आर इमेजिनरी स्क्वायर रूट में जो भी कुछ निगेटिव टर्म है तो उसे हम बोलते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी तो हमारे पास में इस तरह से ये तीन अलग अलग रूट्स जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा आना चाहिए कि जो भी कुछ है सपोज़ कि बीस स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये लेस देन जीरो है तो उसने बोलना चाहिए ये जो टर्म है यहाँ पे रूट्स आर इमेजिनरी अदरवाइज ये अगर वो ग्रेटर देन जूरो है तो रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट और हम बोल सकते हैं कि दे आर इरेशनल सिमिलरली अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये जो टर्म है यहाँ पे ये जीरो आ रही है तो वो केस में हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल इक्वल और रैशनल तो अभी यही फॉर्मेट को अगर हम तो ध्यान में रखिए मतलब अगर हमें इसे सॉल्व करना है और रूट्स कैलकुलेट करना है तो ध्यान में रखिए कि किस तरह से हमें ये प्रोग्राम को रन करना है तो सबसे पहले तो हमें ये हमें क्या चाहिए बी चाहिए यहाँ पे ए चाहिए सी चाहिए मतलब ए बी सी ये हमें इनपुट देना होगा अब उसके बाद में तो डिपेंड करता है कि ये जो टर्म है यहाँ पे अगर ये लेस देन ज़ीरो है कि इक्वल्स टू ज़ीरो है या ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसके हिसाब से मतलब तीन कंडीशन है यहाँ पे जीरो की कंडीशन है to की कंडीशन है और ग्रेटर है अगर ये तीन है, तो तीनों कंडीशन के लिए उसने अलग अलग फॉर्मूला के हिसाब से उसने सॉल्व करना चाहिए और जिस तरह से अभी हमने ये मैथमेटिकल फॉर्मेट देखा तो लेस देन के लिए इजिक्वस टू के लिए और ग्रेटर देन के लिए उसने वो कंडीशन के हिसाब से उसने सॉल्व करना चाहिए और हमें वैल्यू या तो फिर इक्वल uh, है या फिर डिस्टिंक्ट है या फिर इमेजनरी है या हमें देना चाहिए एज अ आउटपुट तो वेरी इजी वन ए बी सी को इनपुट uh, दो ठीक है उसके बाद में सिंपली ये जो स्क्वायर रूट की टर्म है उसे इवेल्यूट करो अगर लेस देन ज़रूर है तो उसके हिसाब से उसको लिखो कि ये इमेजिनरी है इजिक्स टू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा और ये माइनस बी बाई टू ए इतना ही आएगा अगर इजिक्वस टू सॉरी ये ग्रेटर दैन जीरो है तो वो केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो टर्म है ये सॉल्व करो तो एक प्लस में रूट आएगा और ये माइनस में रूट आएगा हमें टू डिस्टिंक्ट रूट हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं तो लेट अस गो टू दी प्रोग्राम देन सो ये जब भी हम न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व करने वाला है तो वो केस में ध्यान में रखिए कि हमें सबसे पहले ये ये तो हम लिखते ही है हैश इनक्लूड एस और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल तो लिखते ही है लेकिन हमें कुछ फंक्शंस हमें मैथ्स के लिखने हैं तो उसकी वजह से हम ध्यान में रखिए यहाँ पे हैश इनक्लूड मैथ डॉट एच ये भी हमें लिखना है नेक्स्ट जो लाइन रहने वाली है तो मैथ डॉट एच ये भी हमें लिखना है उसके बाद में ये मेन फंक्शन चालू हो जाएगा यहाँ पे इंटीजर अभी हमें देना है कि जो हमें पैरामीटर्स हमें यूज़ करने हैं जितने भी पैरामीटर्स ए बी सी या रूट रूट वन रूट टू या फिर जो कोई पैरामीटर हम लिखने वाले हैं या हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हमें लिखना है कि वो डेटा टाइप कौन सा है फ्लोट है या फिर इंटीजर है ठीक है ये ए बी सी ये तीनों भी हो सकता है कि इसमें डेसिमल पॉइंट हो तो उसके वजह से हमने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया है उसके बाद में जो रूट्स रहने वाले है तो रूट्स को किसी ना किसी फॉर्मेट में उसका वैल्यू आएगा आइदर इन टर्म्स ऑफ रियल और इन टर्म्स ऑफ डेसिमल पॉइंट और इन टर्म्स ऑफ इंटीजर तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये रूट्स जो है तो डेसिमल पॉइंट में आने वाला है तो उसकी वजह से हम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इसको भी फ्लोट करके ही डेटा टाइप देने वाले हैं ठीक है चीके? ये तो ए बी सी स्क्वायरूट की टर्म होगी या इक्वेशन की टर्म्स के लिए जो इनपुट हमें देना है तो उसके लिए ए बी सी ये एज अ फ्लोट डेटा टाइप है उसके बाद में जो रूट्स है जहाँ पे वैल्यू स्टोर रहने वाली है तो उसे भी हम कौन सा डेटा टाइप देंगे फ्लोट यह डेटा टाइप देंगे क्योंकि यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट में रहने वाला है फिर नेक्स्ट पार्ट अभी हमें इसको इनपुट देना है तो इनपुट देना है तो सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले कर दो मैसेज का डिस्प्ले करना है प्रिंट से मैसेज डिस्प्ले कर दो कि एंटर ए बी एंड सी ऑफ इक्वेशन चाहे तो आप क्या कर सकते हैं इसको एंटर वैल्यू ए एंटर वैल्यू बी एंटर वैल्यू सी ये तीनों के लिए अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट दो अलग अलग तीनों के स्कैन अप स्टेटमेंट दो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है लेकिन आप चाहे तो एक ही प्रिंटअप स्टेटमेंट में जितने चाहे जो इनपुट देना है आपको एक ही लाइन में यहां पे एक मैसेज डिस्प्ले कर दो कि एंटर ए बी एंड सी ऑफ कॉड इक्वेशन अब ये स्कैन अप स्टेटमेंट से आपको इनपुट देना है तो उसकी वजह से पहले आपने ये डबल कोट में लिख दिया कि ये फ्लोट होने की वजह से हमने यहाँ पे परसेंटेज साइन एफ कितने हमें इनपुट देना है यहाँ पे देखिए वन टू और थ्री ए बी सी तीनों के इनपुट देना है तो हमने परसेंट साइन एफ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अब इनपुट कौन सा देना है ए ठीक है तो ए देना है कैरेक्टर है ठीक है और यहाँ पे ये यह हमने एम्पर साइन लिख दिया क्योंकि यहाँ पे हमने हमें इनपुट कौन सा देना है ए का वो तो क्या होना चाहिए वो होना चाहिए फ्लोट वही परसेंट साइन बी और सॉरी एम्पर साइन बी एम्पर साइन सी तो इस तरह से मतलब ये हमने क्या कर दिया ये हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया प्रिंट प्रिंटअप स्टेटमेंट का और उसके बाद में यहाँ पे हमें इनपुट देना है यह होने के बाद में हम क्या करने वाले हैं हमें तो पता है कि एक कंडीशन किसके ऊपर में डिपेंड करने वाला है तो कंडीशन डिपेंड करने वाला है कि जो स्क्वायर रुट के अंदर की टर्म है वो क्या है तो उसके वजह से हमने यहाँ पे जो स्क्वायर रूट की टर्म है उस उसको हमने सेपरेट आउट कर दिया ये जो सेपरेट सेपरेट आउट कर uh, हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हमने क्या कर दिया सेपरेट आउट यहाँ पे रूट को लेने की जरूरत नहीं है ये जो टर्म है ये क्या है ये हम देखने वाले हैं so, सो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट की टर्म बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये हमने इक, ये हमें इक्वल इक्वेट करना है तो डी इज इक्वल टू तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये हमने यहाँ पे लिख दिया है अभी नेक्स्ट पॉइंट में अभी हमें क्या करना है ये डी को कंडीशन देना है हमें ये लेस देन जीरो है कि इक्वस टू जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है राइट लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो और इज इक्वल टू जीरो कंडीशन हमें देना है तो ये कंडीशन अगर हमें देना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिख दिया है कंडीशन के लिए तो इफ स्टेटमेंट लगता है तो इफ स्टेटमेंट हम यहाँ डी लेसरोस जीरो सबसे एकदम से सिंपल सा पार्ट है अगर ये लेस देन जीरो प्रिंट करना चाहिए कि ये इमेजिनरी है क्या है ये इमेजिनरी तो हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में हमने लिख दिया कि ये रूट्स आर जो है रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर जो बेसिकली रहेगा और उसके बाद में रूट्स ऑफ कॉरिड इक्वेशन गेस देन जीरो है तो यहां पे रूट्स जो भी कुछ आ, मतलब सपोज कि वहां पे लिखना चाहिए उसने रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर इन केस इन केस कि अगर यहां पे जो कोई सपोज कि अगर हम हमें यहाँ पे लिखना है कि जो टर्म है यहाँ पे डी लेरो के लिए यहां पे हमने लिख दिया कि जो प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट स्टेटमेंट से डायरेक्टली ये माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए ये जो टर्म है यह हमें हम डायरेक्टली एक तो यहाँ पर एक इक्वेशन लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू सम माइनस बी बाय टू एके चाहे तो हम डायरेक्टली ये माइनस बी बाई टू टू ए ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद में स्क्र रुट के टर्म के लिए यहाँ पर एस क्यू आर टी ये फंक्शन है अब ये देखिए हमने यहाँ पर मैथ डॉट एच लिखा था तो ये ऑटोमेटिकली ये एस क्यू आर टी वो पढ़ लेगा कि हाँ स्क्वायटी ये मैथमेटिकल फंक्शन है और हमने ऑलरेडी मैथमेटिकल फंक्शन मैथ डॉट एच हमने यहां पे लिखा हुआ है सेकेंड लाइन तो वैसे ही डायरेक्टली वो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी बाय टू ए ये पे क्या करेगा यहाँ पे वो उसकी वैल्यू प्रिंट करके देगा और सेम अब ये क्या है ये है रियल वैल्यू रहेगी इसकी इसकी भी कोई तो भी रियल वैल्यू रहेगी मतलब डेसिमल के फॉर्मेट में उसकी वजह से हमने क्या लिखा हुआ है परसेंटेज साइन एफ और कम से कम डेसिमल के बाद में उसने जो भी कुछ डिजिट्स है तो तीन डिजिट्स तक तो भी प्रॉपर वैल्यू देने को होना तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया है टेज साइन पॉइंट थ्री ओके परसेंटेज साइन पॉइंट थ्री एफ परसेंटेज साइन प्लस पॉइंट ओके तो ये हमने सेम कॉपी पेस्ट कर दो इसको यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए था ओके okay? अब ये एस क्यू आर टी को टर्म जो है ये प्लस के बदले में माइनस लिख दिया है और ये रिटर्न कर देगा वो वैल्यू अगर ये नहीं है एल्स अगर ये कंडीशन नहीं है तो क्या होगा डी इज इक्व टू जीरो हमारा सेकंड कंडीशन है तो सेकंड कंडीशन के लिए हम क्या करने वाले कि यस yes, ये अगर डी इज इक्व टू जीरो है तो वो केस में बोथ रूट्स आर इक्वल ओके बोथ रूट्स आर इक्वल ये हम यहाँ पे लिखने वाले और उसके बाद में जो रूट का जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए जिस तरह से हमने मैथमेटिकली अभी देखा था स्क्वायर रूट वाला टर्म यहाँ पे ओके इंटरनेट इशू की वजह से यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था तो सो so, यहाँ पे देखिए कि सेकंड जो कंडीशन है डी इज इक्व टू जीरो उसके लिए हमने एक आ, प्रिंट स्टेटमेंट लिया है जो कि आउटपुट हमें देना चाहिए कि बोथ रूट्स आर इक्वल सो बोथ रूट्स आर इक्वल ये हमें एज अ आउटपुट करके चाहिए और उस उसके बाद में जो रियल रूट है या जो पर्टिकुलर ये इक्वल होने के बाद में जो रूट वो कैलकुलेट करेगा तो रूट किस तरह से कैलकुलेट करेगा वो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया कि रूट वन इज इक्वस टू माइनस बी डिवाइडेड बाय टू ए हमने यहाँ पे लिख दिया है और उसके बाद में ये प्रिंट एप स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो रूट है ये रूट का वैल्यू भी डिस्प्ले करना चाहिए उसने सबसे पहले तो लिख दिया कि बोथ रूट्स आर इक्वल ये कब रहेगा कि अगर ये डी की वैल्यू ज़ीरो है तब उसके बाद में ये कैलकुलेट करेगा कि रूट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में ये वैल्यू भी हमें क्या चाहिए यह हमें यहाँ पे एज अ आउटपुट करके चाहिए तो आउटपुट करके चाहिए तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर प्रिंटअप स्टेटमेंट में लिख दिया है रूट ऑफ कॉरिड इक्वेशन इज तो रूट ऑफ कॉरिड इक्वेशन इज तो यहाँ पे ये यह जो रूट है ये भी कौन से फॉर्मेट में रहेगा या डेसिमल फॉर्मेट में कुछ तो भी रहेगा तो डेसिमल फॉर्मेट के लिए हमने क्या लिखा हुआ है परसेंटेज साइन पॉइंट थ्री एफ So, ये हो गया सेकेंड कंडीशन सेकेंड कंडीशन होने के बाद में फिर थर्ड कंडीशन क्या है अगर ये भी नहीं है एल्स इफ ठीक है हमने क्या लिखा था एल्स इफ लिखा था हमने यहाँ पे। मतलब अभी यहाँ पे ये अगर ये ट्रू है तो ये परफॉर्म करेगा अगर इनके इस फॉल्स है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट दिया है तो एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास में रूट्स आर रियल नंबर ये हमें एज अ मैसेज डिस्प्ले होना होना चाहिए और उसके बाद में कौन से दो रूट्स है रूट वन और ये रूट टू तो उसका जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रूट वन क्या है माइनस बी यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे रूट टू के लिए यहाँ पे माइनस साइन तो इस तरह से रूट के लिए हमने रूट वन माइनस बी ये हमारा था प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसको तो हमने अलग से लिख दिया है बी स्क्र माइनस फोर ए सी को हमने क्या लिख दिया है सेपरेट आउट कर दिया है इसको और डी करके ये स्क्वायर रूट की टर्म डी करके आ गया है तो ये स्क्यूआर टी ऑफ डी और ये डिवाइड बाई टू ए सिमिलरली सेम कॉपी ऑफ पेस्ट सेम है लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे निगेटिव साइन है और ये होने के बाद में अब ये दोनों रूट्स को हमें क्या करना है हमें एज आउटपुट करके चाहिए तो उसके वजह से हमें फिर से प्रिंट प्रिंटअप स्टेटमेंट दो और प्रिंट प्रिंटअप स्टेटमेंट के हिसाब से ये रूट्स ऑफ कॉरिडर इक्वेशंस आर रूट्स ऑफ कॉरिडर इक्वेशन आर तो यहाँ पे परसेंटेज साइन पॉइंट थ्री एफ परसेंटेज साइन पॉइंट थ्री एफ ओके क्योंकि हमने यहाँ पे रूट वन और रूट टू दोनों भी ये क्या है डेसिमल फॉर्मेट में रहने वाला है तो उसकी वजह से हमने यहां तो मैथमेटिकली सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए ये फॉर्मूला जैसे आपको पता है कि एक्स इक्वल तो टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये जैसे पता है आपको और डिवाइड बाय टू ए तो ये स्क्वायर रूट के ऊपर में डिपेंड करता है ये लेस देन है इक्वल्स टू है या ग्रेटर देन है और इसके हिसाब से हमें इमेजिनरी या तो फिर आ, इक्वल रूट या तो फिर यूनिक रूट्स रूट वन और रूट टू इस तरह से हम हमको ये अलग अलग तीन कंडीशंस के ऊपर में ये डिपेंड करेगा तो उसके वजह से यहाँ पे हमने इसको सेपरेट आउट कर दिया स्क्वायर रूट की टर्म को हमने सेपरेट आउट कर दिया एक कंडीशन हमने पुट अप कर दिया सबसे पहली कंडीशन लेस देन ज़ीरो नेक्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू ज़ीरो और थर्ड कंडीशन यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो और उसके लिए हमने अलग अलग उसके लिए जो इक्वेशंस है लेस देन के लिए इक्वल टू के लिए और ग्रेटर देन के लिए ये अलग अलग कंडीशंस हमने यहाँ पे लिख दिया है सो so, अगर हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं सपोज ये जो प्रोग्राम है अगर हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं ये हमें पता है कि सिर्फ हमें ये स्कैनअप स्टेटमेंट यहाँ पे एक ही स्कैनअप स्टेटमेंट हमने दिया है कि मतलब यहाँ पे इनपुट कौन सा है ए बी और सी ये तीनों जो है इसका अगर हम इसको रन करके देखते हैं और रन करने के बाद में देखते कि यहाँ पे ए बी और सी ये हमें कॉर्ड इक्वेशन के तीन जो अभी यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे मैं पुटअप करता हूँ से टू फाइव और टेन तो जैसे ही मैं अभी यहाँ पे तीन जो ए बी सी की जो वैल्यूज है ये यह हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है और जैसे ही एंटर हम अभी हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली वो ये सब इवेल्यूएट करेगा ये डी इवेल्युएट करेगा उसके बाद में ये कंडीशन चेक करेगा लेस देन ज़ीरो है क्या फिर इक्वस्ट टू जीरो है क्या और फिर ग्रेटर दैन ज़ीरो है क्या और अकॉर्डिंग टू ये कंडीशन के हिसाब से जो कोई यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर और रूट्स ऑफ कॉर्ड इक्वेशन आर ये हमें यहाँ पे मिल गया है सो रूट्स ऑफ कॉर्ड इक्वेशन बेसिकली रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर और मतलब ये जो है सो so, अब यहाँ पे कभी कभी हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये लेस दैन जीरो है तो रूट्स आर इमेजनरी और यहाँ पे हम आ, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है तो ऐसा भी चलता है लेकिन अगर जहाँ पे लेस दैन जीरो के टर्म में अगर हम सो so, uh... जहाँ पर भी लेस देन ज़ीरो का टर्म है तो लेस देन ज़ीरो के टर्म में अगर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रूट्स आर इमेजनरी और वहाँ पे वो ख़त्म हो जाना चाहिए और हम वहाँ पे अगर इक्वल्स टू ज़ीरो है तो रूट्स आर इक्वल आना चाहिए और या या तो फिर रूट्स ग्रेटर देन ज़ीरो है ये टर्म ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो केस में हमें दो अलग अलग रियल डिस्टिंक्ट और रैशनल नंबर हमें यहाँ पे रूट्स के तौर पे मिलने चाहिए तो इस तरह से ये हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं और हॉडी इक्वेशन का रूट यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं Why? Because my daughter knows me, I can get money everywhere. Ah, I can do everythingını, who knows? My daughter, who doesn't know, can do everything here. Yes I'm pretty good Ah

ओके okay, अटेंडेंस uh, का लिंक uh, मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं यहाँ पे और किसको कुछ भी डाउट है तो वो uh, डाउट आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली uh, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं सो एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम्स रूट्स ऑफ इक्वेशन इजी है और इसमें भी हम चाहे तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली अगर ये लेस देन जीरो है तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे सिंपली ये भी ना देते हुए रूट सर इमेजिनरी करके इसे हम छोड़ सकते हैं तो so, ये और भी इजी वे में हम यहाँ ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो कॉर्ड इक्वेशन रूट्स ऑफ कॉर्ड इक्वेशन ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है सो केस आपने अटेंडेंस मार्क किया है तो आप लीव कर सकते हैं अगर किसको कुछ डाउट है तो पूछ है, तो सकते हैं यहाँ पर